नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने हार की समीक्षा की है, सभी प्रत्याशियों से चर्चा की गई है और सभी की हार पर मंथन हुआ है। अब देखते हैं इस मंथन में क्या निकला। हमारे साथ उमंग सिंघार जी हैं, पूर्व मंत्री। सर, किस तरह से रही आपका ये चुनाव और आज जो समीक्षा हुई तो क्या लगा? सबने अपनी अपनी बात रखी होगी, तो क्या निष्कर्ष निकला कि इस वजह से कांग्रेस हारी? देखिए, चुनाव कोई भी होता है, पार्टी के लिए हो चाहे मेरे लिए, चुनौती के रूप में रहता है। पार्टी ने चुनौती को एक शानदार तरीके से मजबूती के साथ हर कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ा है प्रदेश के। और मैं मानता हूं कि जनादेश भाजपा का सिर्फ ईवीएम के कारण है, जनता का जनादेश नहीं है। जब बैलेट पे हम जीत रहे पूरे प्रदेश के अंदर, ईवीएम में हार रहे, तो इतना फर्क नहीं आ सकता। ये आप भी सब समझते हैं, आप भी पत्रकार हैं, फील्ड में देखते हैं भावनाएं क्या थी। तो ये लोकतंत्र के साथ देश में मजाक किया जा रहा है। और जब विश्व के अंदर जब मशीनें बंद हो चुकी ईवीएम, तो आप क्यों चाहते हैं? आप क्यों बहानेबाजी करते हो कि एक चुनाव कांग्रेस जीत गई है तो ठीक है, आप हार गए तो ईवीएम की बात करते हैं। निष्पक्ष बात हो, मैं तो कहता हूँ दावे के साथ, अभी बैलेट पे कर ले चुनाव, अभी आप एक महीने में रिजल्ट आ जाएगा, मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बदल जाएगी। अच्छा, जो पूरा चुनाव कैंपेन था, क्या लगता है जो केंद्र का और राज्य का नेतृत्व था, जो आपके तमाम नेता थे, उन्होंने वैसे कैंपेनिंग की जैसा चुनाव लड़ना था वैसा लड़ा है? सबने मिलकर सामूहिक रूप से मजबूती के साथ अपनी यथाशक्ति के हिसाब से चुनाव लड़ा है। और ये चेहरे पे दिख रहा था आम जनता कार्यकर्ता की कांग्रेस आ रही है। बहुमत नहीं मिल सका, विपक्ष में रहेंगे आप लोग, नेता प्रतिपक्ष कौन हो, इस पर भी चर्चा हुई क्या? देखिए, नहीं, इस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। और रही बात विपक्ष में, इतने सालों से लड़ने की आदत है, लड़ेंगे। लेकिन एक नेता के नेतृत्व में लड़ते हैं विपक्ष में भी। उमंग सिंघार किसे नेता प्रतिपक्ष देखना चाहते हैं? हर विधायक नेता प्रतिपक्ष है, हर कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष है, ऐसा मैं समझता हूँ। उमंग सिंघार भी नेता प्रतिपक्ष है, हर कार्यकर्ता विधायक में सभी आ गए। पिछली बार हमने देखा था आपने दिग्विजय सिंह पर कई तरह की टिप्पणियां की थी, कुछ आरोप भी लगाए थे, हालांकि पुरानी बात। अब जो आपका ट्वीट आया, आपने माफी मांगी, तो वो बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि परिवार में अगर आपस में कोई सामंजस्य है तो उसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। रही बात, संवाद हमेशा रहना चाहिए और मतभेद हो सकते, मतभेद नहीं था, ये मैं कई बार कह चुका हूँ। जो नाराजगी थी सब दूर हो गई दिग्विजय सिंह जी से? ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरी तो कोई नाराजगी नहीं थी। थैंक यू। उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष की दावेदारी करेंगे इसलिए दिग्विजय सिंह से माफी मांग रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? ऐसा है कि मैंने हमेशा पार्टी से कभी कोई पद नहीं मांगा, और ये राहुल गांधी जी भी जानते हैं अच्छी तरह। पार्टी ने जो भी जवाबदारी की किसी भी प्रदेश में, उसमें जवाबदारी से काम किया है। तो संगठन का आदमी हूँ, संगठन के लिए लड़ता हूँ, लड़ता रहूँगा। धन्यवाद। माफी मांग ली कि दिग्विजय सिंह साथ दे दें, तो बहुत धन्यवाद। ये उमंग सिंघार पूर्व मंत्री हैं, पहले दिग्विजय सिंह के खिलाफ मुखर हुआ करते थे, बयान देते थे, आरोप भी कई तरह के गंभीर लगाए थे। ऐसे में अब उमंग सिंघार ने माफी भी मांगी है दिग्विजय सिंह से, और इशारों में ये भी कहा कि वो भी दावेदार हो सकते हैं नेता प्रतिपक्ष के। आज हार की समीक्षा हुई है, लेकिन ठीक रहा ईवीएम पर फोड़ा गया है। भोपाल से टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।